मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको गेस्ट हाउस का पूरा व्यू बताने वाले हैं CCI का। आप देख सकते हैं ये गेस्ट हाउस का एंट्रिंग गेट है जो फिलहाल तो अभी खुला है, लेकिन और ये आप सामने देख सकते हैं कि एक मस्जिद है CCI की, जो कि अब काफ़ी कम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरा जंगल हो चुका है यहाँ पर। ये CCI का जो एंट्री होने का जो रास्ता है, मैं आपको उसका व्यू बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है यहाँ पर पूरा तरीके से बंद हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक वे था रास्ते का जो कि बंद हो चुका है, आप वहाँ से जा भी नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं ये पार्किंग प्लेस थी गेस्ट हाउस की। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े व्हीकल्स आकर यहाँ पर पार्क किया करते थे। यहाँ पर आपको देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री भी आपको यहाँ पर आए थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, बहुत से दिग्गज नेता यहाँ पर आकर जा चुके हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि CCI के गेस्ट हाउस की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, जब ये एक टाइम पे जब चलता था तो काफ़ी यहाँ पर खुशहाली हुआ करती थी, काफ़ी चहल पहल इस गेस्ट हाउस में हुआ करती थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर स्टे करने के लिए आते थे। CCI के तो छोड़ो, लेकिन बाहर के भी बहुत से लोग यहाँ पर स्टे करते थे। ये देखिए, आपको मैं गेस्ट हाउस का हाउस बता रहा हूँ। जो सामने हाउस हुआ करता था गेस्ट हाउस के, आपका उसका नज़ारा आपको बता रहा हूँ। ये जब चलता था तो काफ़ी यहाँ पर पानी और काफ़ी सारे फिशेस इसमें हुआ करते थे। आप देख सकते हैं, अब आपको मैं आपको सामने ले चलता हूँ जो कि गेस्ट हाउस का मेन डोर है। आप देख सकते हैं ये डोर को, कितना बड़ा डोर है। आज भी आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। आज भी वो मैट वहीं पड़ा हुआ है जो यहाँ पहले हुआ करता था। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे रूम्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी आदिलाबाद में नहीं देखा था, वो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्या करें, आज इसकी हालत ऐसी पड़ी हुई है कि यहाँ पर इसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है। यहाँ पर एक खुशहाली हुआ करती थी CCI में, एक एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था गेस्ट हाउस का, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अदला भर में जो इंडस्ट्रीज थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो नेता है वो लोगों को ये इसे देखना चाहिए कि आप क्या कुछ खो रहे हैं आदिलाबाद में, जो एक तरक्की का उस टाइम का ज़रिया था तेलंगाना में। आप देखिए, मैं आपको पीछे का व्यू बता रहा हूँ गेस्ट हाउस के साइड का। बहुत इकनॉमी एकदम ग्रो हो रही थी आदिलाबाद की, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज पूरे इंडस्ट्रीज यहाँ तक जा चुके हैं। आदिलाबाद के लोगों का काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि जो रोज़गारी थी अब वो रोज़गारी अब यहाँ नहीं रही। आप देख सकते हैं बेड अंदर से आप इस रूम का हाल देख सकते हैं। आज भी वही बेड वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे पहले था। देखिए दोस्तों, हम एक खिड़की के ज़रिए अंदर आ चुके हैं इस रूम के। आप देख सकते हैं ये रूम कितना बढ़िया तरीके से उस टाइम पर सजाया गया था, कितना अच्छा फर्नीचर, वेल फर्निश्ड। आप यहाँ पर फर्नीचर देख सकते हैं और यहाँ पर आप अलमारी देख सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी ये ड्रेसिंग था लोगों का, यहाँ कितनी बड़ी अलमारी है। और फैन भी आज वही कंडीशन में जो पहले हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा बाथरूम का नज़ारा दिखाता हूँ, आप बाथरूम भी देख लीजिए। एकदम उस ज़माने के टाइल्स, उस ज़माने के ग्लासेस, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ग्रीज़र वो ज़माने का, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ऐसे सजाया गया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं इस कुर्सी की भी हालत
यहाँ से लॉक है, खुल नहीं रहा है। ये आप ये अच्छा VIP रूम था, ये आप देख सकते हैं इस रूम की कंडीशन कैसी हो चुकी है। लोगों के ज़िंदगी में कभी खुशहाली आया करती थी, जब खुशहाली जाती है तो आप देख सकते हैं कि बर्बादी का आलम क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे का व्यू है गेस्ट हाउस का, यहाँ पर किचन हुआ करता था। यहाँ पर एक सपोटे का झाड़ है, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को पता है कि झाड़ पर कभी हम लोग खेला करते थे। आप देख सकते हैं सपोटे तो नहीं मिलेंगे लेकिन झाड़ आपको ज़रूर मिलेगा। वक्त जब चेंज होता है तो आप देख सकते हैं कि वक्त एक जैसा कभी नहीं होता, हर किसी का वक्त बदलता है। लेकिन आदिलाबाद का जो वक्त बदला है, मेरे ख़्याल से ये कभी फिर से बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बर्बादी का जो आलम है वो काफ़ी डरावना है। हर चीज़ यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। ये देखिए ये किचन का हाल है, ये जो कूलर है इसमें हम ठंडा पानी पीते थे। यहाँ पर आकर ये किचन है, किचन का एक हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब ये देखिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये किचन काफ़ी बड़ा किचन हुआ करता था। आज भी उस ज़माने के कप्स, उस ज़माने का जग आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ अपनी जगह पर सेट हुआ करती थी। आपको किचन के अंदर हम लेकर आए हैं। यहाँ पर इतना कुछ पत्ता था कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे गोभी के वैराइटीज, यहाँ लाइट कम है, आपको इसमें लाइट मार्कर बताऊंगा। ये देखिए ये बाकी आ जाएंगे आप। ये देखिए हमारे लोग आ चुके हैं, डाइनिंग हॉल पर यहाँ पर लोग खाना खाया करते थे। आप देख सकते हैं कलर भी आ गया, कितना खस्ता हो चुका है। ये देखिए ये CCIT जो बिल्डिंग का व्यू है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स के लिए आया करते थे, काफ़ी दूर दूर से। बहुत लोगों का घर था ये, आप देख सकते हैं वो घड़ी को जो उस टाइम पर बंद हुई थी जिस टाइम पर ये गेस्ट हाउस बंद हो चुका था। डाइनिंग हॉल ये कुर्सी, ये डाइनिंग हॉल VIPs के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े लीडर्स आ चुके हैं। आदिलाबाद को जब CCA चलती थी तो बहुत सारे लोग उसमें काम किया करते थे, बहुत सारा रोज़गार मिला करता था लोगों को, जिसे मार्केट में काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ करता था। लेकिन आज हम देख सकते हैं काफ़ी बुरी हालत में हो चुका है। इसलिए ये जो चाबियाँ कीस यहाँ रखा करते थे आप देख सकते हैं, ये कीस यहाँ पर रोक के अब आपको यहाँ से मैं आपको टॉर्च मार कर बताऊँगा। फोन की टॉर्च, यहाँ पर एक डोर है, यहाँ मुझे किचन का सामान रखा हुआ है, ये लॉक है, लॉक है अंदर से। सॉरी दोस्तों, हम आपको गेस्ट हाउस का पूरा व्यू बताने वाले थे लेकिन क्या करें, लॉक है यहाँ पर। और यहाँ पर एक तिजोरी दिख रही है, लगता है CCA का पूरा लूटे हुआ पैसा इसमें रखा हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी सारे लेटे हुए CCA के रूट कर चले गए।
दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आपको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे हमको उतना ही अच्छा लगेगा और उतनी ही खुशी होगी दिल से कि आप लोग आज भी अपनी यादें ताज़ा रखे हुए हैं अपने दिलों में। तो आज तक के लिए चलता हूँ। सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।